10 मिनट 50 खबरें। हरियाणा में उग्रवाद जाट आरक्षण आंदोलन, पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत, रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश, देर रात एक शख्स की हत्या। जाट आरक्षण के विरोध को काबू करने के लिए हरियाणा के 9 जिले में सेना तैनात, जींद, झज्जर, भिवानी, हिसार, कैथल, सोनीपत, पानीपत में इंटरनेट बंद। राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने जाट आंदोलन के मुद्दे पर बैठक की, राज्य के हालात पर चर्चा। हरियाणा के रोहतक में जाट आंदोलनकारियों ने गन हाउस में की लूट, हथियार और भारी संख्या में गोली लेकर फरार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा को किया रद्द, सभी 9 जिलों में 22 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। हरियाणा से दिल्ली को पानी की सप्लाई रोकने को धमकी, प्रदर्शनकारियों ने मुनक नहर के गेट को किया बंद करने का दावा, प्रदेश सरकार के मंत्री का इनकार। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील, आरक्षण पर 31 मार्च तक कमेटी को रिपोर्ट देने का आदेश। रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने 2 दर्जन दुकानों में लगाई आग, झज्जर के दीघल गांव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को फूंका। रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर घुसे जाट प्रदर्शनकारी, घर के बाहर खड़ी कारों में लगाई आग। हरियाणा सरकार ने संत गुरु रविदास की 639वीं जयंती के कार्यक्रम को किया रद्द, रोहतक में आज होना था समारोह। जेएनयू विवाद पर राष्ट्रपति से मिले लेफ्ट, आरजेडी, जेडीयू और एनसीपी नेता, विवाद में हस्तक्षेप की मांग। एनएचआरसी के सामने कन्हैया का खुलासा, पुलिस ने दबाव देकर लिखवाई थी अपील, कन्हैया के जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तिहाड़ जेल में बड़ी सुरक्षा, जेल प्रशासन ने अलग सेल में किया शिफ्ट। पटियाला हाउस कोर्ट में एसएआर गिलानी की जमानत अर्जी खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है गिलानी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के दोस्त और पत्रकार सादिक नकवी को बिजनौर से लिया हिरासत में, उमर खालिद की तलाश। उमर खालिद के पिता को डॉन रवि पुजारी के नाम की धमकी, फोन कर बेटे को जान से मारने की दी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। पूर्व कांग्रेस नेता कलिको पुल ने अरुणाचल के सीएम के तौर पर ली शपथ, कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के अलावा बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय एमएलए का समर्थन। बजट सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के सांसद लेंगे बैठक में हिस्सा। अमेठी के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, आज पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। महबूबा मुफ्ती के दूध बनकर हसीब द्राबू आज दिल्ली आएंगे, द्राबू की मुलाकात राम माधव समेत बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पेश किया 63,502 करोड़ का बजट, वैट रजिस्ट्रेशन फीस में दी छूट, महिलाओं की विशेष रियायत। अगले महीने वॉशिंगटन में हो सकती है पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात, 31 मार्च को न्यूक्लियर समिट में शरीक होंगे दोनों नेता।
मुख्य सूचना आयुक्त की दौड़ से बाहर हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बसी, कांग्रेस ने किया था विरोध। विमल जुल्का, डीपी सिन्हा और अमिताभ भट्टाचार्य होंगे नए सूचना आयुक्त। पटेल आरक्षण के अगुआ हार्दिक पटेल अस्पताल में भर्ती, भूख हड़ताल की वजह से सेहत बिगड़ने पर प्रशासन ने अस्पताल में दाखिल कराया। राम मंदिर पर आरएसएस का खास सेशन कार्यक्रम, संघ की तरफ से चलाए जा रहे अभियान किए जाएंगे साझा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का भारत दौरा, तमाम विवादों पर होगी चर्चा। संजय दत्त अगले हफ्ते पुणे के येरवडा जेल से होंगे रिहा। 1993 के मुंबई हमलों के दौरान अवैध हथियार रखने के मामले में सजा काट रहे हैं अभिनेता संजय दत्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में पावर प्लांट का किया उद्घाटन। 18 मेगावाट की बायोमास आधारित पावर प्लांट है। बिहार में 21 आईपीएस अफसरों का तबादला। आरजेडी विधायक के रेप केस की तहकीकात करने वाले नालंदा के एसपी का भी तबादला। ऊर्जा सुधार में राजस्थान के मदद करेगा वर्ल्ड बैंक। सीएम वसुंधरा राजे, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के बीच बैठक में हुआ फैसला। रेप के आरोप में फरार विधायक राजबल्लभ यादव का बेटा गिरफ्तार। पटना पुलिस ने सबूत मिटाने का लगाया आरोप। राजबल्लभ यादव अब तक फरार, आज अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 10वीं के इम्तिहान में जमकर चोरी। शिक्षक और एग्जामिनर के सामने छात्रों ने नियमों की उड़ाई धज्जी। इंदौर में तैनात एएसआई को लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। व्यापारी से रिश्वत की मांग पर शिकायत। उत्तराखंड के कनखल में जंगली हाथी ले भिड़ा शराबी युवक, आश्चर्यजनक रूप से पीछे हटा जंगली हाथी। झारखंड के रांची में नक्सली हमले में घायल हुआ सीआरपीएफ जवान, राज्य के पास जंगलों में घात लगाकर हमला। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का तांडव, पंचायत भवन को बम से उड़ाया। से 51 रुपए में मोबाइल फोन स्कीम में इनकम टैक्स की नजर। रिंगिंग बेल कंपनी के दफ्तर पर आयकर ने मारा छापा। इन्वेस्टमेंट का स्रोत जानना चाहती आयकर विभाग। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तरों पर फायरिंग, एक शख्स घायल, वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के इंदौर में आशाराम बापू के खिलाफ प्रमुख गवाह गिरफ्तार। अदालत में गवाही के लिए पेश न होने पर हुई गिरफ्तारी। बिहार के सीतामढ़ी में डॉक्टर के क्लिनिक पर अंधाधुंध फायरिंग, रंगदारी के लिए दहशत पैदा करने की कोशिश। राजस्थान के धौलपुर में अस्पताल की जानलेवा लापरवाही, गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार। पंजाब के बटाला में पुलिस कांस्टेबल की कार के नीचे आने से 7 साल के बच्चे की मौत, हिरासत में लिया गया कांस्टेबल। हिमाचल पुलिस ने लूट के 2 अपराधियों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाता था गिरोह। दिल्ली में एक शख्स पर सम्मोहन से 15,000 रुपए ठगने का आरोप, वारदात सीसीटीवी में कैद।
करियर के आखिरी टेस्ट में न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकलम ने बनाया इतिहास का सबसे तेज शतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 54 गेंदों में जड़ी सेंचुरी। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मारी बाजी, इंग्लैंड 3 विकेट से हारा। रोमांचक मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। मोहम्मद शमी एशिया कप में खेलने वाली टीम में शामिल नहीं। ग्रेड 2 की इंजरी के कारण टी20 वर्ल्ड कप से पहले एहतियात बरतते हुए आराम देने की रणनीति। क्रिकेटर विराट कोहली परिवार के साथ पहुंचे वाघा बॉर्डर। कोहली के साथ जवानों ने जमकर कराया फोटो सेशन। बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देगी एफिडेविट।